हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हेमेस्टर कॉम्बेट की लिस्टिंग क्या अगस्त में सच में हो रही है और क्या जुलाई के अंदर ये लिस्ट नहीं कर रहा है, और साथ में बताएंगे कि क्या ये टेप से पिक्सल बर्स की तरह स्कैम कर सकता है या नहीं, क्योंकि एक अपडेट दोबारा ऐसी निकल कर आ रही है जिसमें जुलाई में लिस्टिंग बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं है, अगस्त या फिर सितंबर तक भी इसकी लिस्टिंग जा सकती है। क्या है अपडेट, वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। सबसे पहले आप यहां पर ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं, ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है और 12.2 मिलियन फॉलोअर्स इनके ट्विटर अकाउंट पर कंप्लीट हो चुके हैं और इनकी कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन अब ये कम्युनिटी के साथ स्कैम कर रहे हैं, कम्युनिटी को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने रोड मैप बताया था उस हिसाब से ये नहीं चल रहे हैं। इन्होंने जितना भी काम था जून तक का वो सब कंप्लीट किया है, लेकिन जो जुलाई के अंदर टोकन जनरेशन इवेंट इन्होंने रखा था वो अब यहाँ पर डिले करते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जुलाई के अंदर लिस्टिंग नहीं होगी, अब ये लिस्टिंग हमें अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के शुरुआत में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर अगर ट्विटर अकाउंट देखते हैं तो कोई भी यहाँ पर एयरड्रॉप से रिलेटेड अपडेट नहीं है, सिर्फ इनकी यूट्यूब वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जा रही है, ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़े। यहाँ पर अगर आपने अर्न के ऑप्शन में आकर ये जो टू द मून वाला टास्क कंप्लीट नहीं किया है तो टू द मून वाला टास्क कंप्लीट कर लीजिए, एंड अगर आपने अभी तक टोन वॉलेट कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो टोन वॉलेट भी कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इनके जो चार टास्क आते हैं, मिनी गेम, डेली साइफर, डेली रिवॉर्ड एंड डेली कॉम्बो, तो मिनी गेम मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, आप हमारे टेलीग्राम पर इसका मिनी गेम देख सकते हैं और वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अपडेट बताता हूँ, यह है को कॉइन एक्सचेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अगस्त 2024 प्री लिस्टिंग। अब यहाँ पर को कॉइन एक्सचेंज ने 15 अगस्त का टाइम लिया है इसकी प्री लिस्टिंग करने के लिए। अब को कॉइन टॉप 5 एक्सचेंज है, वर्ल्ड के एक्सचेंजों में इसका नाम आता है, इसने यहाँ पर डेट क्यों बढ़ाई? अगर यहाँ पर लिस्टिंग करनी थी तो पहले ही कर देते हैं, जैसे कि बायबिट, गेट आईओ, बिटगेट, इन पर ऑलरेडी प्री लिस्टिंग चल रही है, लेकिन को कॉइन एक्सचेंज पर इतनी ज़्यादा डेट क्यों बढ़ाई जा रही है? क्या को कॉइन एक्सचेंज स्कैम है या फिर हेमेस्टर कॉम्बेट स्कैम है? दोनों में से एक स्कैम कर सकता है, यानी कि अगर को कॉइन सही है तो फिर हेमेस्टर टोकन स्कैम है, क्योंकि को कॉइन यहाँ पर डेट बढ़ाता जा रहा है, को कॉइन को पता है कि हेमेस्टर टोकन की टीम इसको अगस्त या फिर सितंबर के अंदर लिस्ट करेगी, और जैसा कि को कॉइन यहाँ पर डेट भी बढ़ाता जा रहा है, क्या आप सहमत है कि इसकी लिस्टिंग जुलाई के अंदर हो पाएगी या फिर अगस्त में होगी? आपकी क्या राय कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ में यहाँ पर अगर आपने स्किन बाय नहीं की है तो आप स्किन बाय कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी स्किन बाय कर रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये सिर्फ ये स्किन बाय कर रखी है, आप अपने हिसाब से कोई सी भी स्किन बाय कर सकते हैं। हो सकता है एनएफटी के रूप में आपको ये स्किन एनएफटी दी जाए और आप इसको बाद में सेल कर पाओ। तो यहाँ पर अगर आपको एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट होना है तो हर टास्क को कम्प्लीट करना होगा, क्योंकि आप अगर टास्क को कम्प्लीट नहीं करेंगे तो बाद में जब एयरड्रॉप मिलेगा तो आप एलिजिबल ना हो पाओ। तो यहाँ पर अगर आपने मिनी गेम नहीं खेला है तो मिनी गेम को प्ले करें, और जितने भी की है ये जो चाबी आपको मिलती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करें, एक दिन की भी आपकी की नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये जो चाबी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाले वक्त में जब एयरड्रॉप मिलेगा उस वक्त ये की आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर आप मेरा प्रॉफिट पर हावर देख सकते हैं, 3.84 मिलियन प्रॉफिट पर हावर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट जरूर करना और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।